कुछ आंकड़े हैं और आंकड़े झुठलाते नहीं है, आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। रसोई गैस का सिलेंडर 2014 में 410 रुपए का था, आज 1053 से लेके 1200 तक बिक रहा है। पेट्रोल 71 का था, 100 के पार है। डीजल 55 का था, आज 90 से 100 के बीच में है। आटा, गेहूं का आटा 22 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज वो 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 81% बढ़त हुई है। और बच्चों को पिलाने वाला दूध 35 रुपए प्रति लीटर जो 2014 में बिकता था वो 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दही लस्सी के दामों में वृद्धि हुई है। पकौड़ा तलने वाला तेल भी महंगा कर दिया इन लोगों ने। सरकार ने जीएसटी में फैसला लिया और आटा, दाल, चावल, दही लस्सी पर जीएसटी लगा दिया। और जब विपक्ष ने, यह पते की बात है, जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो यह कहकर भ्रमित किया गया कि आप तो जीएसटी काउंसिल में थे, आपने वहां पर विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए जो वित्त मंत्री बोलती है, जो मोदी जी बोलते हैं, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में राजस्थान की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बकायदा लिखित विरोध किया है। इसके बारे में राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लिखकर वित्त मंत्री को याद दिलाया कि आप झूठ मत बोलिए, हमने लगातार इसका विरोध किया था और डिसेंट लेटर दिया था। रात के 1:30 बज रहे हैं और रात के 1:30 बजे यहाँ पर विधानसभा के प्रांगण में आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि विनय कुमार सक्सेना जी जब खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे तब 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस 1400 करोड़ के घोटाले पे जांच होना जरूरी है। हमारी मांग है कि सीबीआई इस पे जांच करे। दूसरा, ये क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जहां पे ब्लैक के पैसे को व्हाइट किया गया, इसलिए इसकी ईडी में जांच होनी चाहिए। उनके नए ऑफिस पे, पुराने ऑफिस पे, नए घर पे, पुराने घर पे सीबीआई और ईडी की रेड होनी चाहिए, तभी सही तरीके से पता चलेगा कि क्या घोटाला हुआ और किसने घोटाला किया। और हम ये चाहते हैं कि जब तक सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करे तब तक विनय कुमार सक्सेना जी को एलजी का पद छोड़ के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। यहां पे विधानसभा के प्रांगण में विधायकों का संघर्ष जारी है और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और एलजी साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। #शेयर